तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो भाई आपके लेके आओ मैं मयूरी का ई रिक्शा। आज हम इसके ऑनर से रिव्यू करने वाले हैं कि मतलब इसका कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्या माइलेज रहने वाली है। अगर आप चैनल पे न्यू है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए हम शुरू करते हैं। सर आइए। हाँ जी कैसे हो सर? बढ़िया। आपका नाम? राजू यादव। राजू यादव। हाँ जी सर हाँ आपने जी ये कब लिया था? ये दिसंबर में लिया था सर। दिसंबर मंथ में लिया था। हाँ जी और हाँ जी कितने किलोमीटर चला लिया इसको? इसको 10-11 हज़ार किलोमीटर चल दिया। 10-11 हज़ार किलोमीटर चली है। हाँ जी हाँ जी और सर इसे लेने के पीछे आपका फायदा क्या हुआ, मतलब वो क्या लगा कि कितना पैसा आपने कमा लिया या कितना सर, दिया इसका था? कोई फायदा नहीं है हमें लेने का, क्यों? इसमें हमें खर्चे ही लगा रहता है। अच्छा, और मतलब ना आपकी इसकी कमाई नहीं हुई है इसमें? हाँ प्रॉपर इतनी कमाई नहीं हो रही है। एजेंसी वाले बोलते हैं कि बढ़िया कमा रहे हो, 1,000-2,000 उसके कमा रहे हो, अच्छा इतनी कमाई हम नहीं कर पा रहे हैं इस पर। ठीक है। हमें दिक्कतें बहुत आ रही हैं, चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ना कुछ शॉर्ट रहता है इसका, अच्छा मतलब कहीं कुछ खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया। ऐसे की और जैसे कि अभी इसकी लाइट खराब हो गई थी, दिखाना जरा। ठीक यहाँ पे है। है आगे है ना। हाँ जी ये खराब हो गई, वहाँ गए चेंज कराने तो एजेंसी वाले बोलते हैं कि कोई गारंटी नहीं है, अभी 6 महीने हुआ लिए। कितना पैसा लग गया आपका लाइट्स पे? 450 रुपये लग रहा है। और इसमें क्या क्या दिक्कतें आपको देखने को? और इसका एक्सीलेटर अभी खराब हुआ, एस्केलेटर खराब हो गया? ठीक हाँ जिससे रेस बढ़ती है, है, वो अभी चेंज कराया, इसका भी 450 लगा। मतलब काफी खर्चा हाँ करा जी चुका हाँ है ये जी आपका। हाँ जी सर। और ये रहा पीछे का चक्का, अच्छा ये जो चीज़ है इसका नट बार बार लूज हो जाता है, ठीक और है। एजेंसी वाले बोलते हैं कि इसको जो है आप डेली प्रॉपर टाइट किया करो। डेली बताओ, डेली टाइट डेढ़ करना, दो लाख दिया है एजेंसी वालों ने, और प्रॉपर इसको डेली कौन टाइट करेगा मतलब यार। आपको जो सर्विस है वो मयूरी तरफ से अच्छी नहीं मिल रही? नहीं सर्विस कोई अच्छी नहीं है, और डेली हम खुद टाइट करेंगे तो 1.5-2 लाख देने का मतलब क्या बनता है, हाँ वो बात तो आपकी एजेंसी सही है। है। और क्या क्या दिक्कतें आपको देखने को मिली है? और सर इसका शॉकर वगैरह गिर गया था, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है पीछे की। जब आपने ई रिक्शा लिया था हाँ जी उस जी टाइम एजेंसी ने आपको क्या बोला था कि चीज़ आपको सिक्योरिटी दीजिए, मतलब वो चीज़ खराब हुई हम ठीक करेंगे, या क्या बोला था हाँ उन्होंने? उन्होंने बोला था कि मतलब गारंटी है, कोई दिक्कत परेशानी होगी हम आपको करके देंगे। ठीक कर देंगे, मतलब हाँ और वहाँ जाते हैं तो आप पैसे मांगते हैं, कहते पैसे देके जाओ। वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करते हैं, जबकि आपको 1 साल भी नहीं हुआ इसलिए भी। हाँ जी हाँ जी अभी 6 महीने हुआ। तो मतलब 6 महीने के अंदर आपको इतनी सारी दिक्कत देखने को मिल हाँ रही जी है। हाँ जी इसमें पैसे लग लिए 5,000। तो सर जैसे आप सवारी बिठाते हो हाँ जी हाँ तो वो जी इसमें कंफर्टेबली बैठ जाती है, मतलब उन्हें बैठने में कोई दिक्कत वगैरह आती है? नहीं थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, जैसे कि आगे हम दो सवारी बैठाना चाहते हैं, बीच बीच में हम बैठ के चलाते हैं, और इधर एक सवारी है कि इधर मैं आपको ये है कि आप एक्स्ट्रा नहीं बिठा पा रहे हो या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यहाँ दबा नहीं नहीं पा रहे बैठ हो? सकती सवारी। ठीक है ठीक है, बाकी मतलब पीछे भी कमी है, 3 सवारी बैठने में बड़ी दिक्कत होती यहाँ मुश्किल से 2 सवारी बैठ पाती है है। हाँ जी सवारी। हाँ जी 2 सवारियाँ बैठ जाती हैं आराम से। ठीक है, और बाकी बिल्ड क्वालिटी का क्या लेना देना है? मतलब आपको लगता है कि मैं सेफ फील करते हो आप? नहीं सेफ कोई खास नहीं सेम है। मतलब सेफ्टी है कि कहीं अगर टकरा जाए कुछ हो जाए तो नहीं सही नहीं रहोगे? नहीं सेफ नहीं है ये चीज़, देखो हिल रहा है इसका, अगर लड़ने के बाद ये बिल्कुल अब बंदे के पास पहुंच जाएगा। गार्ड तो खत्म है इसका है ना। हाँ और बाकी आप और कोई गार्ड भी नहीं दे रखे साइड साइड में जो नहीं होते हैं? सर कोई गार्ड नहीं है इसका आपने अपनी तरफ से इसमें क्या क्या लगवाया है, क्या क्या खर्चा करा, मतलब ऊपर ऊपर से आपने क्या लगवाया अलग से? अभी तो सर ये शीशा लगवाया, ठीक है, अलग से। अलग से लगवाया हूँ, और आपने क्या क्या लगाया, अलग पर्दे वगैरह या कुछ छोटे पर्दा पर्दे? वगैरह इसका फटा पड़ा है, एजेंसी की तरफ से मिला था, कोई खास पर्दे नहीं लगे हैं, एक फैशनलिटी की गई है इसमें, मतलब अच्छी क्वालिटी के पर्दे नहीं दिए उन्होंने? अच्छी क्वालिटी से नहीं है, और पैसे 1.5-2 लाख ले लिए हैं कि ठीक है देखो फट गए हैं, अभी 6 महीने नहीं हुआ। ठीक है। और आपको और आपने क्या लगाया अपनी तरफ से? सीट का भी दे दो, ये ये तो फट पूरी गई सर सीट, मैंने कर दी लोड कर दी। सीटें खराब हो चुकी है, हाँ जी मतलब हाँ जी उन्होंने सीट की क्वालिटी में ही मतलब आपको कुछ बेटर हाँ नहीं दिया? कोई खास नहीं है जी, ये फट जा रही है से, और 2-4 महीने बाद फट ही जाएगी। और जबकि अभी आपको 1 साल भी नहीं हुआ है, हाँ जी हाँ जी तो गाइस आप देख सकते हो 1 साल में भाई इतना बुरा हाल हो रखा है। मतलब ऐसा हम मतलब ये हमसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये ऐसा भी हो जाता है। हाँ जी हाँ जी ये हमें ऐसा लगता था कि मतलब यार मयूरी है बढ़िया होगा, लेकिन बहुत चीज़ें हैं जो हमें इसमें डिसएडवांटेज देखने को मिल रहा है। और ये रियल कस्टमर है आप देख हाँ दो, ये यहाँ पर चलाते हैं, इनका डेली रोटी मतलब खाना पीना वैसे ही चलता है। हाँ जी हाँ जी चलता तो आप देख दो गाइस इनको काफ़ी सारी दिक्कतें इसमें देखने को मिल तो रही है सर, खर्चे ज्यादा आते हैं इस पे ना। अब गाड़ी ना भी लो 2 लाख अगर पड़ रहा है अपना खर्चा, तो साल 1.5 साल तो इसमें खर्चा नहीं पड़नी चाहिए ना। है। और मतलब कुल मिला के आप इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर चुके हो, हाँ जी हाँ जी इसमें खर्चा लगता रहता है, ये मतलब जो भी महीने है। में 4-5 सौ, 1,500 लगता ही रहता है। एजेंसी वाले बोलते हैं जो कमा रहे हो किस लिए कमा रहे हो, हाँ तो जी, हम जो कमा रहे हैं इसी गाड़ी के पीछे लगा देंगे तो हम घर में क्या देंगे, बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे। हाँ तो सर जैसे कि आपने ये हिस्सा लिया हुआ है तो जी आपको इतनी सारी प्रॉब्लम में आ रही है, तो फिर आप कोई और लेने सोच रहे हो या इसी पे ही हो अभी आप?
अभी तो सर देखेंगे, निकाल देंगे इसको, बेच के दूसरी लेंगे। कौन सी दूसरी लेनी है? बाहुबली आ रही है। बाहुबली मेरा दोस्त लिया है, बढ़िया चल रहा है। तो इसमें और बाहुबली में वो फर्क क्या लगा है? बहुत फर्क है, जैसे कि जैसे कि उसकी हाइट है, हाँ जी, ऊंची है, और ये चीज उसका बिल्कुल मजबूत है। सेफ्टी अच्छी है? हाँ जी, सेफ्टी उसमें बढ़िया है, हाँ जी, इसमें कोई सेफ्टी खास नहीं है। ओके। हाँ जी तो मतलब आपको जो आपके दोस्त हैं जो बाहुबली चला चुके हैं वो, हाँ जी हाँ जी उनका अच्छा रहा है इससे? हाँ, इससे अच्छा है, बढ़िया चल रहा है उनका। ओके, तो आप मतलब इसके बाद आप वही लेने वाले हो? हाँ जी हाँ जी, ठीक ये है। निकाल के वही लेंगे हम। तो सर आपने ये कितने डाउन पेमेंट पे ली थी? सर इसको 55,000 दिया था, और 1,55,000 की कैश है, किस्तों में ये पड़ेगी हमें 75-80 की। 1,75,80 की पड़ी है आपको ये हाँ वाली? जी हाँ जी, ठीक है। और सर आपको कितने घंटे से चार्ज करना पड़ता है? इसको 7 से 8 घंटे लगाने पड़ते हैं चार्ज करने के लिए चार्ज करने के लिए। 7 से 8 घंटे? हाँ जी हाँ जी, और एक दिन में कितनी बार चार्ज करते हो आप इसे? 2 बारी चार्ज करना पड़ता है, 2 बार चार्ज करना पड़ता है। जैसे सुबह निकाला दोपहर तक खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर लगाओ, फिर 3-4 बजे निकाल लो, फिर चलाना पड़ता है, फिर मतलब करते जाते चार्जिंग हैं। की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है हाँ आपको? जी हाँ जी, ठीक है। और इसमें सर मुझे ये बताइए, जो बैटरी है वो अभी ठीक है या बैटरी में कोई? बैटरी में तो कोई दिक्कत नहीं, बैटरी ठीक ही चल रही है। बैटरी ठीक ही चल रही है हाँ ना जी हाँ जी सर? जैसे आपके जो रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बंधु जो ये वीडियो देख रहे हैं, हाँ आप जी, उनको क्या सजेस्ट करोगे? ये वाला ऑटो लो या कौन सा ऑटो लो? उनको यही सलाह देना चाहता है, कोई भी है यार, दोस्त है या कोई भी हाँ इंसान है, ले तो बढ़िया, जो बढ़िया मार्केट में आ रही गाड़ियाँ वो चीज़ लें, मयूरी तो बेकार है जी, इसमें कोई लाइफ नहीं है खास। कोई लाइफ नहीं है। हाँ जी जो मतलब आप कौन सा ऑटो सजेस्ट करोगे उनको, कौन सा ले? ये मयूरी ना ले तो सर, जैसे आपको क्या लगता है? बाहुबली है हाँ वो बढ़िया है, मतलब आपको इससे हमने बेटर देख बाहुबली के आया लगता था है? एजेंसी में, बढ़िया चल रही हो, ठीक है, उसमें सीट भी बढ़िया है, हाइट भी ऊंची है बैठने के ठीक है, लिए, रेस भी ज़्यादा है। पावर भी ज़्यादा है उसमें। हाँ ठीक जी, प्राइस है। और प्राइस इतना ही है? यहाँ इतना ही है। इतना ही है, क्यों? उनका हमने देखा ना, उनके मेटल वगैरह, बॉडी वगैरह तगड़ी होंगी, हाँ जी हाँ जी, उनका ये चीज़ बहुत सोलिड है, सेफ्टी के दिखता लिए नहीं। है। हाँ, और वजन भी है गाड़ी का, इसका कोई खास वेट भी नहीं है। ठीक है। तो मतलब हाँ आप इससे खुश नहीं हो? हम खुश से नहीं, एजेंसी वाले से बिल्कुल नहीं खुश है एजेंसी वाले से कुछ नहीं हो, और गाड़ी जो भी आपको लगता है गाड़ी। काफी खर्चा हाँ हो चुका है हाँ आपका? खर्चा लगातार रहता है, हम दुखी रहते हैं। बस दुख ठीक होता है सर, जब अगर हर महीने इसमें खर्चा ही लगता रहे तो दुख होता है कि नया गाड़ी लेके और किस्त दे रहे हैं, तो हाँ, दुख तो हमें होता ही है। ये अपनी मेहनत की कमाई लग रही है हाँ इसमें। हाँ लग रही है। फिर एजेंसी वाले ने 1.5 लाख 2 लाख लिया किस लिए हाँ जी, सर, तो चलो पुरानी होगी फिर तो लगे खर्चा, वो चलता है। ठीक है। तो हमारी पब्लिक को जरा ये बता दो आप कहाँ से हो? आप चंडीगढ़ में जो है ना, ट्राई सिटी में चलाते हो ना आप हाँ बस? जी हाँ जी, चंडीगढ़ में में चलाता हूँ, हाँ जी, और इसमें यही प्रॉब्लम है, तो मयूरी गाड़ी खास करके ना लें तो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी ठीक हाँ जी हाँ है। तो गाइस हम बेसिकली देखा जाए तो हम किसी गाड़ी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या किसी कंपनी को भी नहीं, बट आपको ये है ना कि इनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम है, मतलब इनको सही में दिक्कतें आ रही है, तो ये अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें मतलब कोई हमारा ऐसा नहीं है कि मयूरी को ही गलत बोला है वो, पर जो आप देख सकते हो इन्होंने सीटें दिखाई है फटी हुई है, आप ये दे तो क्वालिटी इनकी ठीक नहीं है, और बाकी आप फ्रंट का दे तो गार्ड भी काफ़ी वीक है, और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम है इन्हें देखने को मिल रही है, एंड जो कंपनी वाले हैं वो इनकी साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। हाँ मतलब जी, आपको जो 1 साल के अंदर सर्विस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, नहीं जी, सर्विस तो मिलनी चाहिए ना, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई शॉर्ट हो रहा मतलब है, उन्होंने अपनी उसकी साइड से बोला था कि गारंटी। सब हाँ ठीक हो जाएगा, गारंटी, हाँ उस लेकिन टाइम तो वो बोले सब सही करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी हाँ। और आपको। मेन बात सर गाइज ये है कि 1 साल भी नहीं हुआ इनको, हाँ, 6 महीने छह हुए। महीने के अंदर आप इन्हें इतनी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो मतलब ये काफी गलत है यार, कि मतलब कम से कम 1 साल तो हो जाना चाहिए था, हाँ जी है ना? तो सर आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, ओके आपने सर। जो हाँ अच्छा एक्सपीरियंस बताया अपना, जिससे जी ये है कि बहुत सारे लोगों को मतलब हाँ, वो जो मिल रहा है। लोग अगर समझ सकते हैं तो ये गाड़ी ना लें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है सर। तो गाइस ओके आपको जी, ओवरऑल वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करिए जरूर, यार आपको भी सेम डाउट आता है हमें कमेंट करिए पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।